नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश रावणखरे। भारत का कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करता रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों जैसी लगातार चुनौतियों का सामना करने के बावजूद साल 2023 में समन्वित गेम चेंजर के रूप में नवीन कृषि विधियों का उदय देखा गया है। हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग प्रमुख क्रियाएं के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने भारतीय कृषि में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के नए समाधान प्रदान करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये नवीन दृष्टिकोण एक स्थायी भविष्य की ओर बदलाव का संकेत देते हैं, जो आने वाले वर्षों में कृषि परिदृश्य के लिए आशा और वादा पेश करते हैं। ऐसे में आइए आपको उन कृषि विधियों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिन्होंने साल 2023 में लोगों का ध्यान खींचा है। तो सबसे पहले आता है हाइड्रोपोनिक्स, जो कि मिट्टी के बिना पौधे उगाने की एक विधि है। इस विधि ने भारत के कृषि परिदृश्य में गति पकड़ ली है। पोषक तत्वों से भरपूर जल समाधानों का उपयोग करके ये तकनीक साल भर खेती, कुशल जल उपयोग और शहरी क्षेत्रों या सीमित कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्रों के लिए काफी कारगर साबित हुई है। उदाहरण के लिए मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग ने छतों और खाली स्थानों को उत्पादक कृषि और किचन गार्डन केंद्रों में तब्दील कर दिया है। वहीं एरोपोनिक कृषि मिट्टी या पारंपरिक हाइड्रोपोनिक्स माध्यमों के बिना पौधों की खेती करके कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने वाली एक अभिनव विधि है। इस तकनीक में पौधों की जड़ों को हवा या धुंध वाले वातावरण में निलंबित करना और नियमित रूप से पोषक तत्वों से भरपूर पानी की घोल को सीधे जड़ों पर छिड़कना शामिल है। भारत में पारंपरिक खेती की तुलना में 95% कम पानी का उपयोग करके संसाधनों, विशेष रूप से पानी के कुशल उपयोग के कारण एरोपोनिक कृषि एक आशाजनक विधि के रूप में उभरी है। ये तकनीक कई फायदे प्रदान करती है, जिसमें तेज विकास दर, पैदावार में वृद्धि और बीमारियों के प्रति कम संवेदनशीलता शामिल है। इसके अलावा एरोपोनिक्स भूमि की कमी वाले क्षेत्रों में फायदेमंद साबित होती है, जो इसे शहरी कृषि पहल के लिए उपयुक्त बनाती है। वहीं विभिन्न प्रकार के पौधों के प्रति इसकी अनुकूलता क्षमता और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव इसे भारत में कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिए एक आकर्षक मानते हैं। साथ ही एक्वापोनिक्स जलीय कृषि को हाइड्रोपोनिक्स के साथ जोड़ता है, जिससे कि एक सहजीवी पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जहां पौधे और मछली सह अस्तित्व में रहते हैं। भारत में इस पद्धति ने उल्लेखनीय लाभ प्रदर्शित किए हैं। ये न केवल सब्जियां और मछलियां एक साथ पैदा करती है, बल्कि पौधों के लिए उर्वरक के रूप में मछली के कचरे का उपयोग कर अपशिष्ट बनाने का भी काम करती है। ये बंद लूप प्रणाली पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देती है, और जिसमें केरल के कोट्टयम जिले और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास एक्वापोनिक्स के सफल एकीकरण जैसे उदाहरण भी शामिल है। वहीं खड़ी फसलों में उगाए जाने वाली फसलों की विशेषता वाली वर्टिकल फार्मिंग ने भारत में भूमि की कमी के मुद्दों को संबोधित किया है। वर्टिकल फार्मिंग ने प्रति वर्ग फुट उपज में वृद्धि की है, परिवहन लागत कम की है और आसपास के उपभोक्ताओं को ताजा उपज भी प्रदान की है। हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे उल्लेखनीय परियोजना घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऊर्ध्वाधर खेती की परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण। तो कृषि के नवीन तरीके पानी, भूमि और पोषक तत्व जैसे संसाधनों का अनुकूल करते हैं, जिससे की उत्पादकता बढ़ती है और अपशिष्ट कम होता है। साल भर खेती को सक्षम करके वे मौसमी खेती की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों या फिर पारंपरिक ऑफ सीजन के दौरान भी स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए आप भी साल 2024 में कृषि के इन तीन नए तरीकों को अपनाकर कृषि में बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।